कई सीटों पे हम नहीं जीत पाए और निश्चित रूप से जहां जीते हैं वहां की भी हम समीक्षा करेंगे और जहां नहीं जीत पाए वहां भी समीक्षा करेंगे कि हमको क्यों नहीं लोगों का समर्थन मिल पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में 24 सीटों पर MLC के चुनाव जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले बार के मुकाबले इस बार NDA की जो जीत हुई है वो काफ़ी कम सीटों पर हुई है। ऐसे में आपको बता दें, इसी को लेकर जब आज हमने बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। नहीं देखिए, पहले हम लोगों ने सीटें भी ज़्यादा लड़ी थी पीछे के चुनाव में, और इस बार गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और 24 सीटों पे हम सब लोग NDA के गठबंधन के रूप में लड़े हैं। और अभी तक जो चुनाव के परिणाम आए हैं और जो परिणाम दिख रहे हैं वो बहुत साफ तौर पे दिख रहा है कि हम 13 सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं और जो प्रतिपक्ष है वह 6 सीटों पे सिमट रहा। तो 24 सीटों के परिणाम में परिणाम बहुत सामने है कि जो आज प्रतिपक्ष है मूल रूप से वो 6 सीटों पे सिमट रहा। याद है कि पिछले चुनाव में भी RJD को 5 के आसपास सीटें थी। नहीं, कई सीटों पे हम नहीं जीत पाए और निश्चित रूप से जहां जीते हैं वहां की भी हम समीक्षा करेंगे और जहां नहीं जीत पाए वहां भी समीक्षा करेंगे कि हमको क्यों नहीं लोगों का समर्थन मिल पाया। और भी अभी हाल में संपन्न हुए हैं और विधान परिषद का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसका परिणाम आज आया है और मैं राज्य के अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति NDA की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन सब लोगों ने एक बार फिर से NDA पर भरोसा जताया है और बहुमत से सीटों को NDA के पक्ष में जिताने का काम किया है। और अभी तक जो परिणाम प्राप्त हुए उसमें NDA ने बढ़त बनाया हुआ है और जो जिन सीटों पर बढ़त की जानकारी मिली उन सीटों पर भी यदि परिणाम के रूप में हम देखते हैं तो NDA को एक अच्छी जीत त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों ने दिलाया है। मैं अपने सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों को BJP की तरफ से और NDA की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही इस चुनाव में जो हमारे NDA के सभी प्रत्याशी जीते हैं उन सभी प्रत्याशियों को अपनी ओर से विशेष शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। NDA के सभी कार्यकर्ताओं को अपने NDA के नेतृत्व की ओर से भी बधाई देना चाहता हूं, सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण राज्य की सभी सीटों पर परिश्रम किया और जिसका परिणाम हुआ कि BJP, JDU और LJP, RLJP ये सभी पार्टियां चुनाव जीती हैं और इसके अलावा भी जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं उन सभी लोगों को भी हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोगों ने जो राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों को चुनाव में जो भरोसा दिलाया था कि पहले भी हम सब लोग पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से विकास का कार्य करते रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूती दिलाने का काम करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। एक बार फिर से सभी प्रतिनिधियों को, पंचायत राज के प्रतिनिधियों को यह बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस भरोसा और विश्वास के साथ आप सब लोगों ने NDA को अपना समर्थन दिया है, आगे भी NDA की सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करते हुए गांधी जी के सपनों को जमीन पर साकार करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए काम करती रहेगी। तो आपने साफ तौर पे सुना, पिछले
के मुकाबले इस बार एनडीए की लगभग 13 से 14 सीटों पर जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि जिन सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई है और जहां पर हार हुई है उन हर जगह पर एक समीक्षा की जाएगी और उस कारण का भी पता लगाया जाएगा कि किस कारणवश जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी हार हुई है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।